एक ऐसी पेंटिंग जिसने पूरे यूरोप में ईश्वरीय सत्ता, पवित्रता एवं मानवता और प्यार के बीच बहस छेड़ दी। इस पेंटिंग का यूरोप के प्रसिद्ध कलाकार बार्तोलोमियो एस्तेबन मुरिलो ने यह बनाया था और यह उनकी चर्चित पेंटिंग में से एक थी। इस पेंटिंग में एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक स्त्री के साथ स्तनपान करता हुआ दिखाया गया था। आज हम इस पेंटिंग के पीछे छिपी कहानी के रहस्य से पर्दा उठाकर मानवीय मूल्यों से रूबरू कराना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि आप वास्तविकता जानने के बाद आपके भी विचार बदल जाएंगे। एक बूढ़े व्यक्ति को जेल में जिंदगी भूखे रहने की सजा सुनाई गई थी। इस बूढ़े आदमी की एक बेटी थी जिसने अपने सजा पाए पिता से रोज मिलने का अनुरोध शासन से किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया। जेल में मुलाकात के समय लड़की की सघन तलाशी ली जाती थी ताकि वह अपने पिता के लिए कोई खाने पीने का सामान न ले जा सके। रोजाना भूखे रहने से बूढ़े पिता की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। पिता की यह दशा बेटी से देखी न जा रही थी। निढाल होते पिता को मौत के करीब जाते देख बेचारगी के कारण वह उदास रहती। फिर एक दिन उसने एक ऐसी हरकत कर दी जो दो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के लिए पाप और पुण्य का मामला बन गया। प्रतिबंध के कारण, कुछ न ले जाने के कारण असमर्थ बेटी ने मजबूर होकर मर रहे पिता को अपना स्तनपान कराना शुरू कर दिया, जिससे पिता की हालत में सुधार होने लगा। एक दिन पहरेदार ने ऐसा करते देख लिया और शासक के सामने पेश कर दिया। इस घटना ने समाज में खलबली मचा दी। लोग दो गुटों में बढ़ गए। एक गुट में निंदनीय मानकर पवित्र रिश्ते के हनन के साथ निंदनीय अपराध मान रहा था, तो दूसरा गुट ऐसे पिता के प्रति प्यार और स्नेह की महान भावना की मिसाल बता रहा था। इस मामले ने बहुत तुल पकड़ा, लेकिन आखिर मानव मूल्यों की जीत हुई और दोनों बाप बेटी को रिहा कर दिया गया। इस घटना को कई पेंटरों ने कैनवास पर उतारा, जिससे मुरिलो की यह पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।